नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब दीपावली का टाइम है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जो सदस्य हैं, YouTube के सदस्य हैं, उनको भी, जो हमारे YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, उनको भी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि आज एक दिन पहले दीपावली का टाइम है ये, और ये जो दो तीन कमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, दो तीन वीडियो यहाँ पर अब शूट की जा रही है, और इनकी रिप्लाई दी जाएगी। जो कि भाई साहब ने एक अच्छा सा सवाल किया है, और उस कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। आपके मन में कोई भी सवाल है, आप भी कमेंट में लिख करके पूछ लेना। भाई, आप किस विषय में जानना चाहते हो, कोई दावत के बारे में या एस्टिमेट के बारे में, आपका जो भी यूनिक सा सवाल होगा उस पर वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, भाई साहब ने लिखा है अनु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने ये कमेंट किया है, मुझे बहुत ही अच्छा कमेंट लगा है। आपने एक छोटा सा कमेंट किया है, 1 किलो मूंग दाल के हलवे में कितना पानी डाले और कितनी चीनी डाले। ठीक है, मान लीजिए ये भाई साहब ये बोलना चाहते हैं, भाई अनु शर्मा, ठीक है, ये हो सकता है किसी हमारी बहन का या लेडीज कोई भी है, इनका नाम होगा। ठीक है, ये बोलना चाहते हैं, भाई हमने 1 किलो मूंग दाल का हलवा बनाना है, उसके अंदर हम कितना पानी डालें या फिर कितना मीठा डालें, यानी कि कितना पानी डालकर मीठा डालकर चाशनी तैयार करें हम। ठीक है ना, बराबर। ठीक, हम चाशनी तैयार करने वाले हैं, उसके लिए हमने ये देखना है, भाई 1 किलो जो मूंग दाल ली है उसको हम अच्छी तरह से पिसाई करवा करके और हम सिकाई करेंगे उसकी। सिकाई करने के बावजूद हमें उसके अंदर जो कि हमने चीनी लेनी है, चीनी हमें जो मैक्सिमम सवाई डाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1 किलो मूंग का हलवा लिया है, तो 1 किलो के अंदर 1 किलो 200 ग्राम मीठा डाल सकते हैं, और मान लीजिए हम इसके अंदर 200 से 250 ग्राम या 500 ग्राम तक मावा भी डाल सकते हैं, यदि हम मावा भी डालते हैं मूंग के हलवे के अंदर। ठीक है, यदि मावा भी डालेंगे तो हम 1.5 किलो चीनी ले सकते हैं। ठीक है ना, 1.5 किलो यदि हमने, भाई मान लीजिए हमने 1 किलो मूंग की दाल के अंदर 250 ग्राम मावा भी डाल लिया है। ठीक है, मावा डाल लिया तो हमने 1.5 किलो चीनी इसके अंदर ऐड करनी होगी। 1.5 किलो चीनी के अंदर हमने पानी कितना लगाना है, 1 किलो चीनी के अंदर 350 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम तक हम पानी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बावजूद जो हम सिकाई करते हैं, आप मान लीजिए ये बोल दोगे ना, भाई हम 500 ग्राम भी डाल सकते हैं या फिर 300 ग्राम भी डाल सकते हैं, ये इसमें क्या दिक्कत होगी। यदि 500 ग्राम तक आपने पानी डाल लिया है तो गैस से ज़्यादा देर तक गैस चलानी होगी आपने, थोड़ा टाइम लग जाएगा चाशनी पकने में, वो चिड़ी भी हो सकती है, यानी कि आपका जो हलवा वो लौट भी सकता है। लौटना क्या होता है पता है, वो सेट नहीं होगा अच्छी तरह से। ठीक है ना, और यदि कम उसके अंदर पानी डालेंगे तो उसके अंदर जो चीनी होती है वो पिघल नहीं पाती। ठीक है, इसलिए 350 से 400 ग्राम तक आप पानी डाल सकते हो। हमने मान लीजिए 350 से 400 ग्राम तक पानी डाल लिया, 1.5 किलो चीनी है तो हम लगभग 550 ग्राम से 600 ग्राम तक पानी डाल लेंगे। यानी कि कहने का मकसद ये है हमारा, 1 किलो मूंग की दाल के अंदर 1.5 किलो चीनी डाल देंगे, और 1.5 किलो चीनी डालने के बाद में हम मूंग, ये जो हलवा है मूंग का, इसके अंदर नहीं डालेंगे हम, इसकी अलग से चाशनी बनाएंगे। ठीक है, एक अलग कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई के अंदर हम पानी डालेंगे, 550 से 600 ग्राम तक पानी डाल के हम उसके अंदर 1.5 किलो चीनी डाल लेंगे, फिर हम चाशनी तैयार करेंगे। जो और नॉर्मल आम चाशनी होती है, जैसे बूंदी की, जलेबी की, इस प्रकार से ये सेम चाशनी होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा आँच का फर्क होता है, एक उबाल है उसमें कम मार लेते हैं, उसमें ज़्यादा मार लेते हैं, इसमें मान लीजिए थोड़ा सा अधिक मारना पड़ेगा। मान लीजिए हम गुच्छे वाली चाशनी तैयार करेंगे इसके अंदर, मूंग के हलवे के अंदर। ठीक है भाई, आपको ज्ञान हो तो वही ठीक है ना, वरना आप चाशनी इस प्रकार से चेक करके, इस प्रकार से चेक कर लेना भाई, गुच्छे से, यानी कि आपको बहुत सारे अधिक से तार दिखाई देंगे, उसको गुच्छे वाली चाशनी बोलते हैं। इस प्रकार से आप बना लेना। गुजारिश करता हूँ कि आपने हमारी वीडियो पसंद भी आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना भाई साहब। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।